हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ की वीडियो स्ट्रेटेजी, लॉ को कैसे पढ़ाई करनी है, लॉ में क्या क्या पढ़ना है एंड लॉ सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, लॉ को कौन सा पहला पार्ट पढ़ना है, कौन सा दूसरा पार्ट पढ़ना है एंड 60 डेज में लॉ को कैसे खत्म करना है। इसमें मैं कुछ तीन इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताने वाली हूँ कि लॉ को आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है एंड सीरियसली इसके बाद में एक टॉपिक पर वीडियो लेके आऊंगी जल्द ही कि थियरी को कैसे रिमेम्बर रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा और डिफिकल्ट टास्क होता है कि थियरी को कैसे याद रखा जाए। तो इसमें मैं सून टू सून वीडियोज लेके आऊंगी, तो टेंशन ना ले। फिलहाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है और लॉ को कैसे पढ़ना है और उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। तो वीडियो छोड़ना मत, पूरा स्किप मत करना और वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों का शेयर करना ना भूलना। हे गाइस, चलो आ गए हमारे लॉ के सब्जेक्ट पे। जो आपने लास्ट वीडियो देखा था एफए का, उस पर बहुत सारा प्यार दिया, तो हम लोग पढ़ेंगे ये। अब इसमें मैं कैटेगराइज तो करूंगी नहीं कि ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी क्या है। पढ़ना तो सभी है क्योंकि इंस्टीट्यूट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एकदम पैटर्न नहीं फॉलो किया था, तो आप उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूंगी एंड तीन इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताने वाली हूँ जो वीडियो के मिड में बताऊंगी या एंड में बताऊंगी, वो मुझे भी नहीं पता बट बता दूंगी। फिलहाल आपको पहला इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यही से दे देती हूँ। आपको ना सबसे पहले क्या पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है। एथिक्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड सीरियसली सबको लगता है एथिक्स सिर्फ 10 मार्क का वेटेज उठाता है, लेकिन नहीं, सीरियसली एथिक्स का बताओ तो 18 to 90 मार्क्स तो हो ही जाते हैं एथिक्स का। एक शॉर्ट पोस्ट में आ जाता है, एक लॉन्ग आंसर में आ जाता है, मतलब लॉन्ग आंसर में कितने का आता है 7 या 8 मार्क्स का, और फिर तीन उधर, फिर 3-4 ऑब्जेक्टिव, मतलब आराम से 14-15 मार्क्स का हो जाता है एथिक्स। तो एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिक्स करना मत भूलना। और एथिक्स के लिए बेस्ट टीचर है अर्जुन छाबड़ा। तो आप अर्जुन सर का वीडियो देख के एथिक्स कंप्लीट कर लो, और एथिक्स कंप्लीट करने में हमको ऑलमोस्ट बस 1 day लगेगा। तो 1 day या आप 2 days ले लो यार, आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो 2 days में एथिक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। दो वीडियो एक दिन में देख लो, एक दिन में पूरा पढ़ के खत्म कर दो। 2 days एथिक्स। फिर सेकंड क्या पढ़ना है, डायरेक्टर। ऑब्वियसली डायरेक्टर का पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको, क्या नाम है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। डायरेक्टर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी जो आपको टैक्स गुरु या टैक्स सर है उनको, सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ अग्रवाल सर, आप उनका करो और 2 दिन में डायरेक्टर खत्म कर दो। एक दिन वीडियो देखो और एक दिन रीड आउट करो। तो 2 दिन हो गया डायरेक्टर का और 1 दिन हो गया एथिक्स का। पहले एथिक्स खत्म करना है, फिर डायरेक्टर खत्म करना है, 2 chapters खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, इंडस्ट्रियल पे आ जाना है। इंडस्ट्रियल बहुत इजी चैप्टर है, किसी को अगर आप प्रीफर नहीं करोगे फिर भी पढ़ के हो जाएगा। फिर भी आप अर्जुन छावड़ा सर के मैराथन देख सकते हो, उनके बाद मोहित सर का भी मैराथन देख सकते हो, उन्होंने इंडस्ट्रियल लिया है, शिवांगी अग्रवाल करके उन्होंने भी इसका मैराथन लिया है, तो अच्छा है, तो आप प्रीफर कर सकते हो। और इसको मैं टोटल दे रही हूँ 5 days। चलो 5 days मैं इसको दे रही हूँ, 5 days 5 days इसको दे देना है। 5 days देने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको ये खत्म कर लेना है। तो पहले बिजनेस एथिक्स, फिर डायरेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल लॉ, उसके बाद फिर आपको आ जाना है कमर्शियल लॉ में। कमर्शियल लॉ में पहले करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मतलब आपको क्या करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको करना है, सीए प्रणव चौधरी का फ्री लेक्चर है, आप उनका देख सकते हो यूट्यूब पे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स भी उन्होंने पढ़ाया है तो उनका भी आप देख सकते हो। निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट छावड़ा सर ने डाला है, ये भी कंप्लीट करना है, तो मैं इसका दे देती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 days लगता है, 3 days, एक दिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लग जाता है, बाकी 4-5 2 दिन इसमें लग जाएगा। और उसके बाद 1 day दे दे रही हूँ निगोशियल, 1 day 4 घंटे का लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हो। स्पीड में लेक्चर देखना स्टार्ट करो, लेक्चर को नॉर्मल स्पीड में मत देखो, तो 1.25 या 1.5 की स्पीड में हमेशा लेक्चर देखो। तो निगोशियल इंस्ट्रूमेंट 1 day और पार्टनरशिप 1 day और लिमिटेड पार्टनरशिप भी 1 day, मतलब हो गया टोटल 7 days आपको 1 हफ्ता लगेंगे कमर्शियल लॉ कंप्लीट करने में। उसके बाद डायरेक्टर और एथिक्स, और हाँ डायरेक्टर और एथिक्स आपको लगेंगे 4 days कंप्लीट करने में, तो 7-4 12 हो गया। उसके बाद इसको मैंने दिया है 5 days, तो 5 days ये हो गया। और उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा आप उसमें कर सकते हो कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के लिए मैंने 10 days दी है, आप इससे भी कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और एक चीज़ और, जितना भी लॉ को रिवाइज करते जाओगे उतना ही आपको रिमेम्बर रहेगा, क्योंकि लॉ बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें भूलता है।
आप सेक्शन याद करो, जो इम्पोर्टेंट है वही याद करो, ज्यादा सेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जो आता रहेगा वो भी भूल जाएगा। तो सेक्शन जो याद रहे वही याद करो। लॉ का पेपर बहुत टफ होता है यार, हाँ ऐसे नहीं याद होता, ऊपर से प्लस टाइप करना तो कुछ दिमाग में भी नहीं आता है, तो गलती मत करना, आराम से पढ़ो और इसको रिवाइज करने की कोशिश करो। मतलब देखो आज पढ़ लिया एक बार, उसके बाद दोबारा फिर दूसरे दिन पढ़ लो, फिर एक हफ्ते के बाद पढ़ो, फिर 15 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 महीने के बाद पढ़ो, ये फॉलो करोगे ना तो हो जाएगा, वरना बहुत दिक्कत होगी। और थियोरी कैसे रखना है, कैसे रिमेंबर रखना है, इस पर मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाली, तो इसका टेंशन आप मत लो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।